अखियां में जब से बात किया समान में हरी के हाथी का कुटा चुको और मैं हूँ प्रीति। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली ये एक्ट्रेस काजल राघवानी के बारे में आज आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। इन्होंने अपने करियर में बहुत ही संघर्ष किया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इनके लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इन्हें पहले भोजपुरी बोलनी ही नहीं आती थी। ये गुजरात की रहने वाली है, लेकिन इन्होंने अब बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इनका जन्म 20 जुलाई 1990 को पुणे में हुआ था। एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई बिहार से पूरी की। उन्होंने महज 16 साल की उम्र से ही गुजराती फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस को सबसे पहले गुजराती फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से गुजराती दर्शकों का दिल जीत लिया। काजल अपनी एक्टिंग और डांस के लिए फेमस है। काजल राघवानी 25 से अधिक गुजराती फिल्मों में नजर आ चुकी है। इसके बाद काजल ने साल 2013 में भोजपुरी फिल्म सबसे बड़ा मुजरिम से डेब्यू किया था। काजल भोजपुरी में तकरीबन 50 से ज्यादा फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से जादू बिखेर चुकी है। इसके अलावा काजल राघवानी की जोड़ी भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ भी लोगों को काफी पसंद आती है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम किया है। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स की संख्या अच्छी खासी है। उनके गाने यूट्यूब पर काफी लोकप्रियता हासिल करते हैं। इनके अलावा उनकी काफी फिल्में और गाने रिलीज हो चुके हैं, जिससे दर्शकों का काफी प्यार उन्हें मिल चुका है। आपको बता दें कि काजल राघवानी ने कभी एक्टिंग नहीं सीखी थी। गुजराती फिल्म के डायरेक्टर विपुल शाह ने उन्हें भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका दिया। वहीं से उनकी शुरुआत हुई और आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बना चुकी है। लाखों दिलों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उनके चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। आज की सफलता से संघर्ष की कहानी में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अखियां में जब से बात किया समान।